नमस्कार साथियों, 4 मई से लेकर आज तक अर्थात 13 जून 2021 तक, 4 मई से 13 जून 2021 के मध्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 23 टाइम्स बढ़ोतरी की गई, जिसके परिणाम स्वरूप देश के अधिकांश भाग में आज पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर चुकी है और देश के कई शहरों में डीजल ने भी 100 रुपए प्रति लीटर की जो सीमा है उसको क्रॉस कर लिया। आज मैं 2 प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करूंगा। पहला, कि क्या सच में कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो चलती है, क्या उससे हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतों का निर्धारण होता है? और दूसरा सवाल, कि क्यों बार बार कांग्रेस पार्टी के आग्रह के बावजूद, बार बार कांग्रेस पार्टी की मांग के बावजूद केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाती है? तो पहले सवाल का हम अगर उत्तर खोजने का प्रयास करें तो मैं 2 उदाहरण दूंगा। 26 फरवरी 2021 को 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा होती है। उस दिन कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है 3,979 रुपए प्रति बैरल, एक बैरल में लगभग 159 लीटर तेल होता है। और जिस दिन चुनाव के नतीजे आते हैं 2 मई 2021 को, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत होती है 4,699 रुपए प्रति बैरल। अर्थात 26 फरवरी से 2 मई के बीच 720 रुपए प्रति बैरल की कच्चे तेल में बढ़ोतरी होती है, पर उस दौरान हमारे पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ती है। देश में उस दौरान लगभग 75 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आ जाती है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है, पर क्योंकि चुनाव है, चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों में, तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण आपको देता हूं, आज लगभग कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 65-70 डॉलर के बीच प्रति बैरल चलती है। पिछले साल ये कीमत 30 डॉलर प्रति बैरल तक भी पहुंची थी। तो क्या आपको, मुझे, हम जैसे आम और मध्यम आय वर्गीय और निम्न आय वर्गीय लोगों को क्या इसका फायदा मिला? नहीं, इसका फायदा नहीं मिला। तो इन दोनों उदाहरणों से ये प्रूव हो जाता है कि पेट्रोल की प्राइसिंग कोई डायनेमिक प्राइसिंग नहीं है, डीजल की प्राइसिंग कोई डायनेमिक प्राइसिंग नहीं है, ये प्योरली पॉलिटिकल प्राइसिंग है। अब दूसरा सवाल, कि क्यों हमारे बार बार मांग के बावजूद पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने में क्यों केंद्र सरकार प्रयास नहीं करती है, उसको जानने के लिए थोड़ा डाटा को समझना पड़ेगा। अभी केंद्र सरकार करों से 32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल से इकट्ठा करती है और डीजल से ये अमाउंट है 31 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर। ध्यान रहे 2014 में जब यूपीए की सरकार थी तो पेट्रोल पर प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी 9 रुपए 20 पैसे और डीजल पर हुआ करती थी 3 रुपए 46 पैसे। अर्थात पिछले 7 सालों में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी की बढ़ोतरी हुई 258%, 258%, और डीजल में एक्साइज ड्यूटी की बढ़ोतरी हुई 820%, 820% से एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई। अब अगर हम इस एक्साइज ड्यूटी को देखें तो इस 32 रुपए 90 पैसे में 20 रुपए 50 पैसे सेस के रूप में, सेस और ड्यूटी में क्या अंतर है? ड्यूटी में जो पैसा इकट्ठा होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन राज्यों में भी होता है। फाइनेंस कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार जो केंद्र सरकार अपना जो टैक्सेस से जो कलेक्शन करती है उसमें से 41% राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पर जो सेस से कलेक्ट होता है उसमें राज्यों का कोई हिस्सा नहीं है। तो ध्यान रहे 32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल से कलेक्ट होता है पर उसमें सेस है 20 रुपए 50 पैसे। अर्थात इस 32 रुपए 50 पैसे में से 20 रुपए 50 पैसे में कहा राज्यों को कोई भाग नहीं मिलेगा। इसी तरह 31 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर डीजल से केंद्र सरकार कलेक्ट करती है और उसमें सेस है 22 रुपए
मतलब 31 रुपए 80 पैसे में से 22 रुपए सीधा केंद्र सरकार के पास जाएगा, बाकी का जो 9 रुपए 80 पैसे है उसमें से राज्यों को और केंद्र सरकार में डिस्ट्रीब्यूशन होता है फाइनेंस कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार, जो अभी ये कहती है कि 41% हिस्सा राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो अगर इसको केंद्र सरकार जीएसटी के दायरे में ले आती है तो जो सेस से जो मैं कहूंगा इजी मनी केंद्र सरकार को मिल रही है, पेट्रोल में 32 रुपए 90 पैसे में से 20 रुपए 50 पैसे सीधे सेस के रूप में जाते हैं, तो अर्थात मात्र 12 रुपए 40 पैसे जो इसके सेस के ऊपर है उसमें राज्यों को हिस्सा मिलता है 41%, और डीजल में मात्र 9 रुपए 80 पैसे है जिसपे राज्यों को हिस्सा मिलता है, 22 रुपए सीधे केंद्र सरकार की जेब में चले जाते हैं। तो ये सेस से जो इजी मनी की कमाई है वो जीएसटी के दायरे में लाने के बाद केंद्र सरकार को नहीं हो सकती। इसीलिए बार बार अर्थशास्त्रियों के आग्रह के बावजूद, एक्सपर्ट्स के आग्रह के बावजूद, आम लोगों के आग्रह के बावजूद, मध्यम आय वर्गीय लोगों के आग्रह के बावजूद, निम्न आय वर्गीय लोगों के आग्रह के बावजूद केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में नहीं ला रही, क्योंकि जो सेस से जो उनकी कमाई है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि जो ये जीएसटी में आएगा ये डिस्पोजेबल इनकम बन जाएगा केंद्र सरकार का, और उस इनकम का 41% भाग राज्य सरकारों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इन दो सवालों का ही मैंने उत्तर जानने का आज प्रयास करा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।